खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रयागराज कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान, मौनी अमावस्या पर स्नान का विशेष महत्व। कुंभ में आज का स्नान पुण्य देने वाला है। 3 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। एबीपी न्यूज पर कुंभ की दिव्य कवरेज। महाकाल की नगरी में एक बार तो आके देख जरा, मोक्ष दायिनी छिपरानी डुबकी लगा के देख जरा। एबीपी न्यूज पर आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रयागराज के कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान और मौनी अमावस्या के मौके पर आज का दिन बेहद पावन, जहां बड़ी जानकारी हमें ये मिल रही है कि अब तक 1,33,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, कुंभ में स्नान किया है 1,33,00,000 श्रद्धालुओं ने। ठंड है लेकिन इससे श्रद्धालुओं का जोश बिल्कुल कम नहीं पड़ रहा। मौनी अमावस्या के मौके पर लगातार श्रद्धालुओं का संगम तट पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाने का क्रम जारी है। आज कुल 3 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद है। सोमवार है, मौनी अमावस्या का दिन है और एक ऐसा संयोग बन रहा है जब भक्त संगम में डुबकी लगाएंगे तो उनकी तमाम तकलीफें दूर होंगी और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसी मान्यता है। श्रद्धालु, साधु और अखाड़े, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे साधु संत पेशवाई आगे बढ़ती हुई जटाओं को खोलकर हर हर महादेव के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए और आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। प्रयागराज के कुंभ आज तिल रखने तक की जगह नहीं है, लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है और मान्यता यह है कि देवता आज स्वर्ग से उतर कर संगम आते हैं और गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर आशीर्वाद बरसाते हैं। लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कुंभ के चप्पे चप्पे से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सीधे रुक करना चाहेंगे रविकांत का। रविकांत, आपके साथ में देख पा रही हूं कि लोग मौजूद हैं, आस्था की डुबकी लगाने के बाद क्या कह रहे हैं, कितने उत्साहित है? नेहा, बहुत ही ताजगी भरा माहौल है गंगा तट पर। यहाँ पर हम गंगा के एकदम पास में खड़े हैं, लोग स्नान करके आ रहे हैं। आपने तो गाल पे भी ओम लिखवा रखा है। पूरे मन में, तन में, धन में, सब जगह ओम ही ओम है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, एकदम आत्मा तृप्त हो गई। इतना बढ़िया पावन जल है, योगी जी वगैरह जिन्होंने, सरकार ने इतना अच्छा प्रयास किया, वो साफ दिखाई पड़ रहा है और हम इतने खुश हैं, आनंद प्रफुल्लित है, पूरा मन एकदम खुश हो गया है नहा करके। आप भी खूब मुस्कुरा रही हैं। बहुत अच्छा लगा, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कपड़े बदलने के लिए बहुत अच्छा सुविधा हो गई है, तो औरतों को कोई प्रॉब्लम नहीं है नहा के आराम से। पैदल ज्यादा चलना पड़ा? आप थोड़ा तो चलना पड़ेगा ही, बिना चले कहाँ मिलेगा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ये दारागंज प्रयागराज के हैं और यहाँ संगम नगरी में स्नान के लिए आए थे और स्नान हुआ, दान दक्षिणा हुआ और अब अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सब मुस्कान बता रही है कि सारी थकान मिट चुकी है। हाँ, नहाने के बाद सब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लगा इस बार कुंभ में आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी है और कपड़ा वपड़ा बदलने का बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इस बार महिलाएं ये बात खास तौर पर कह रही है कि कपड़ा बदलने की जगह स्पेस काफी मिला है, हर जगह व्यवस्था है। आप बताइए कि किस तरह से, आप पहली बार आए हैं कुंभ में? नहीं, लेकिन पहली बार तो नहीं आए क्योंकि हम यहीं रहते हैं, इसके पहले भी जब कुंभ पड़ा था तो आए थे, लेकिन इस बार ये है कि फैसिलिटीज बहुत अच्छी दी जा रही है। आज के पहले मैंने तो नहीं देखा कि इससे अच्छी कुछ व्यवस्था। एक बार हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो उस भव्य भीड़ को जरूर दिखाएं जो श्रद्धालुओं की भीड़ है और काफी ज्यादा तादाद में इस समय भी लोग चले आ रहे हैं। आपके सामने इस समय जो तस्वीरें हैं वो उन लोगों की है जिन्होंने अभी स्नान नहीं किया है। हमने बात की उन लोगों से जिन्होंने स्नान कर लिया है, लेकिन आप देखिए कि किस कदर सैलाब श्रद्धालुओं का चला आ रहा है, जो कि अभी स्नान जिन्होंने नहीं किया है और पूरी दूर तक जहां तक नजर आ रही है श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिख रहे हैं। ये वो नए श्रद्धालु हैं
जिनकी संख्या अभी काउंट नहीं की गई है। 1,20,00,000 से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन ये श्रद्धालुओं का हुजूम देखिए, ये चला आ रहा है बहुत किलोमीटर्स में पैदल से चल करके, और अभी पास में ही अब गंगा आ गई है, तो उनका उत्साह चरम पर है। व्यवस्था इस तरह की गई है कि ये एक महावीर मार्ग है जिससे आने की सुविधा है, जाने के वाले जो लोग हैं वो उधर दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, संगम अपर मार्ग कहलाता है, पास में ही गंगा है, वहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है और लगातार थोड़ी ही देर नहाने दिया जाता है, और कोशिश की जा रही है प्रशासन की कि लोग नहा करके जल्दी यहां से गंगा में डुबकी लगा करके आगे बढ़ें, संगम में डुबकी लगा करके आगे बढ़ें। और उसके बावजूद यहां पर जो भीड़ है उसको देखते हुए प्रशासन काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद है, और जो पुलिस है चप्पे चप्पे पर लगी हुई है, लोगों की सहायता कर रही है। हम आपको ये भी बता दें कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग खो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर रोते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बिछुड़ गए हैं। एबीपी न्यूज़ की टीम भी लगातार लोगों को रास्ता बता रही है और गाइड कर रही है। यहाँ पर एक ऐसा भी व्यक्ति मिला जो ठंड से कांप रहा था, हमने उसको कपड़े भी मुहैया कराए, लोगों ने आपस में मिल करके भी उसको कुछ सहायता की है। इस तरीके से ये जो आस्था का सैलाब है इसमें लगातार लोग चलते ही चले आ रहे हैं, और बेहद खुशी का माहौल बना हुआ है। जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं उसके लिए पुलिस प्रशासन ही नहीं, जो पब्लिक है वो भी मदद कर रही है। हालांकि इस भीड़ सैलाब को देखते हुए जो इस तरह के जो खोने वाले लोग हैं उनका संख्या नगण्य ही कही जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो अपनों से बिछुड़ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो खुशी है उसके आगे सब कुछ फीका पड़ जा रहा है। ताजगी भरा माहौल है, जो पूरा यहाँ पर जो हवा है वो भी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ठंड है यहाँ पर, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। लोग यहाँ पर देखिए वेव करते हुए चले आ रहे हैं और बेहद उत्साह में हैं। एक बच्चा है जो कि युवक हमसे बात करना चाहता है काफ़ी देर से, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली बार कुंभ में ऐसी व्यवस्था देखी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरा वोट इस बार मोदी जी को जाए। कितने किलोमीटर पैदल चल चुके हैं अभी तक? अभी तक 6-7 किलोमीटर चल चुके हैं। अच्छा, काफी थक गए हैं आप लोग? नहीं, कोई थकावट नहीं है। अच्छा, कुंभ में 6 किलोमीटर चलने के बाद भी थकावट नहीं, अभी तो ऊर्जावान। क्या खास लग रहा है इस बार? व्यवस्था अच्छी है। माता जी काफी दूर से आप भी आ रही है, गंगा एकदम पास आ गई आपकी? अरे पता नहीं मेरे कितना दूर है गंगा। नहीं नहीं, एकदम पास में है, आप जाइए और स्नान करिए। यहाँ पर काफी प्रसन्न लोग दिख रहे हैं, आप भी काफी पैदल चल करके आ रही हैं लेकिन खुश हैं? जी हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत सौभाग्य से नहाने का मिला है। बलिया से आए हैं? जी बलिया से आए, बलिया से आए हम लोग। अच्छा हाँ, आप बताइए कहाँ से? मैं लोकली हूँ, टैगो टाउन से आया हूँ। आप तो हर बार देखते आए हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा जो लोग हैं वो उत्साह में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा पैदल चलने के बाद भी किसी के चेहरे पर थकान नहीं दिख रही है, गंगा मैया के करीब आ जाने के कारण और खुश दिख रहे हैं। बिल्कुल रविकांत, हम आगे आपका रुख करेंगे क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचे हैं कुंभ आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और महिला साध्वियों के साथ हमारे संवाददाता कुंभ में हर रंग को देखते नजर आए हैं, इस खास रिपोर्ट पर नजर डालिए। अखाड़ों से साधु संत का निकलना शाही स्नान के लिए शुरू हो गया है, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ जूना अखाड़े से महिला साध्वी जो हैं वो निकल रही हैं, और सबसे पुरानी माता मायापुरी जिनके श्री महंत बीरा श्री महंत बीरापुरी जी के नेतृत्व में तमाम साध्वी देखिए ये निकल रही हैं जूना अखाड़े से, और इसमें देश विदेश की तमाम जो हैं वो महिला साध्वी शामिल हैं। और माता माया मुरीच श्री महंत मायापुरी जी से पूछते हैं कि आज आप लोग कहाँ निकले हैं, कौन कौन से लोग हैं, विदेशी लोग भी दिख रहे हैं? विदेशी लोगों का और ये सार्वजनिक विश्व का समूह है, अध्यात्म का समूह है, इसमें किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, एवरीवन कैन कम, ये अर्थ है कलयुग का है या सतयुग का है, चारों युग का है, आदि गुरु शंकराचार्य का, ये सनातन की प्रथम पद्धति है,
श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा जो सतयुग से बिलोंग करती है, 1860 के एक्ट की रजिस्टर्ड सोसाइटी है। और हम अवधूतानिया जो है नागा जो है ये हमारे दत्त महाराज जी की फौज है और माताएं जो आदिशक्ति अनसुईया की संतान है, माता अनसुईया की परम शक्ति से ये सब लोग विश्व वो हो रहा है। और आज महाकुंभ ये मौनी अमावस का विशेष महत्व है और इलाहाबाद कुंभ का ये महासागर अध्यात्म में गोता लगाने का एक सुनहरी अवसर हर जन जन को है और सबका समूह है। आप सबका स्वागत इसलिए है कि आप हमारी इस वेदना को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आप क्या संदेश देना चाहेंगे मौनी अमावस्या का जो ये विशेष दिन है, देश भर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाह रहे हैं जो आज जो कैसा लगा, अच्छा लगा है, जो देश देश से विदेश देश से ये माउस को अपनी पुण्य में सबके लिए आशीर्वाद मांगती है, सबके लिए सुख शांति देती है। आप बताइए। देश को हम प्रेम और शांति का संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में देखो संतों में कितनी एकता है, उसको अन्यथा ना ले और उसको किसी भी कारण से सहयोग दे। कुछ लोग सहयोग नहीं देते कि संत को सभी एक ही कैटेगरी में लेते हैं, ऐसा नहीं है। संत बहुत उच्च कोटि के संत हैं जो हमारे साथ सब आए हैं, सब महिलाएं आई हैं और बहुत आनंद उठा रहे हैं। ये दिव्य यात्रा हमारी अब कुंभ की ओर चल प्रस्थान कर रही है, हम सब लोग शाही स्नान करेंगे। तो आपने देखा महिला साध्वियों के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र की ये रिपोर्ट। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं 1,33,00,000 श्रद्धालु अब तक गंगा में स्नान कर चुके हैं। आइए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता रणवीर का। रणवीर, 7:41 हो रहे हैं, सुबह हो चुकी है, मैं आपके पीछे देख पा रही हूं जबरदस्त भीड़ है, किस तरह की तस्वीरें और जोश में भरा कैसा माहौल? नहीं, आपने कहा जोश में भरा कैसा माहौल, तो अगर शायद यहाँ शामिल लोगों से आप पूछेंगे कि हाउ इज द जोश, तो लोग कहेंगे हाय, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सुबह रात से ही, इनफैक्ट जिस तरह से लोग खड़े हैं सड़कों पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं भोर होने का, मौन रहकर जो तपस्या की जाती है और उसके बाद स्नान किया जाता है, तो जिस तरह से लोग इस ठंड में इंतजार कर रहे हैं, खड़े होने की जगह नहीं, चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन सारी दिक्कतों को भूल के लोग सिर्फ हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। प्रयागराज वो धरती जहां मोक्ष की कामना में, जहां ईश्वर के करीब आने की कामना में लोग पहुंचते हैं दूर दूर से, तो आज वो विहंगम दृश्य है। मैं पीछे की तरफ भी आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊं बनाने की कोशिश करूंगा कि मेरी नज़र कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जा रही हो और कहीं भी 1 फीट की भी जगह खाली ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। हर जगह लोग ही लोग हैं, क्या महिला क्या पुरुष, क्या बूढ़े क्या बच्चे, हर तरह के जो उम्र के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। मोइन जी, ये जो तस्वीर है भव्य है, दिव्य है और जाहिर है प्रशासन की चुनौती भी कई तरह से बहुत बड़ी है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है, क्या बीते जो कुंभ है उनकी तुलना में इस बार व्यवस्था कैसी है? जी बिल्कुल, दिव्य और भव्य के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो नज़ारा हमको देख रहा है वो अद्भुत है और यादगार है। कुछ ऐसा नज़ारा है कि जिसने एक बार देखेगा वो हमेशा याद रखेगा। और जो भीड़ आप देख रहे हैं ये पूरे भारत से आई हुई है, देश के कोने कोने से आई हुई है और कहा जा सकता है कि आज संगम का तट जो है वो मिनी भारत में तब्दील हो गया है। कोई बंधन नहीं है, ना कोई आयु का बंधन है, ना कोई जाति का बंधन है, ना किसी क्षेत्र का बंधन है, पूरा मिनी भारत आज संगम पर बस गया है। और व्यवस्थाएं पिछले कुंभ के मुकाबले अच्छी हैं, भीड़ पिछले कुंभ जैसी ही है, लेकिन व्यवस्थाएं इस बार कुछ ज्यादा बेहतर हैं। यही वजह है कि लोगों को ज्यादा दिक्कतें नहीं उठानी पड़ रही हैं। हालांकि चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, थोड़ी अव्यवस्था भी है, थोड़ी परेशानी भी है, लेकिन लोगों के अंदर जो आस्था का भाव है उसके आगे ये सारी दुश्वारियां बेमानी साबित हो जाती हैं, सारी दुश्वारियां खत्म हो जाती हैं और लोगों का जोश वाकई में, मैं लगातार कल शाम से देख रहा हूं कि भीड़ अचानक बढ़ती है और भीड़ बढ़ने के बाद जो लोग हैं उनसे हम कई लोगों से हमने बात की तो लोगों ने कहा कि कुछ भी कष्ट अगर है भी तो उन्हें इसकी परवाह नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर में लीन होने आए हैं, ईश्वर में डूब जाना चाहते हैं। और ये जो भाव है, ये भक्ति का जो भाव है, ये जाहिर है कुंभ की जो आस्था है, कुंभ को लेकर जो लोगों की मान्यता है उसको प्रदर्शित करता नहीं। जी रणवीर, तो आप में बता रहे हैं कि इस तरह से लोगों का जोश वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा
आ रहा है। रक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी। रक्षित, अब तो अखाड़ों का स्नान भी शुरू हो गया है, 1,33,00,000 श्रद्धालु जो हैं अब तक डुबकी लगा चुके हैं, आप जहां मौजूद हैं वहां किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? नेहा, ये जो आपने संख्या की बात की है ना, 1,33,00,000, दरअसल संख्या इतनी बड़ी हो चुकी है आज सुबह तक, और इसी वजह से जो शाही स्नान मार्ग है फिलहाल आपको खाली नजर आएगा, क्योंकि पीछे की तरफ से जो अखाड़े हैं जिनकी पेशवाई निकल रही है उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है अखाड़ों के साथ में कि आप खुद अंदाजा लगाइए कि सुबह से अब तक 1,33,00,000 आंकड़ा, वो भी बीते 20-25 मिनट पहले का था, तो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। जब जो अखाड़े में लोग बाग गए हैं, श्रद्धालु गए हैं, साधु संत गए हैं, जब वो वहां से स्नान कर जो दूसरा मार्ग है उससे वापसी की तरफ मुड़ेंगे, तब दूसरी तरफ से अखाड़ों का जो आने का सिलसिला है, जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है, वो इस शाही स्नान मार्ग से फिर से शुरू हो जाएगा और एक बार फिर से वही भव्य तस्वीर जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर 40 घाट जो है वो बनाए गए हैं, और 40 घाट बनाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि प्रशासन का अनुमान है कि आंकड़ा आज श्रद्धालुओं का 3 करोड़ के पार हो सकता है, और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है। जब इतने बड़े पैमाने पर जो पेशवाई है वो निकलती है, अखाड़ों के श्रद्धालु निकलते हैं, उसके बाद में कुछ इस तरीके की तस्वीर होती है। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर होती है जिसमें लगातार जो है रेत और सीमेंट वगैरह जो है वो यहां पर सड़कों पर डाला जाता है, इस सड़क को रिपेयर किया जाता है, और रिपेयर करने के बाद में फिर जो आने का सिलसिला है, जो क्रम है, एक बार फिर से अखाड़ों की पेशवाई का शुरू हो जाता है। नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं, एबीपी न्यूज पर आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं हूं आपके साथ नेहा पंत। आस्था की डुबकी के लिए आज मौनी अमावस्या का दिन बेहद पावन है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज से, श्रद्धालु साधु और अखाड़े सबका एक ही गंतव्य संगम तट, गंगा में डुबकी, और इसके साथ ही आज के दिन जो योग पड़ रहा है, जो दुर्लभ संयोग है उसके चलते हर मनोकामना पूर्ण होने का एक वादा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको बता दें सुबह से लेकर अब तक 1,33,00,000 लोग कुंभ में स्नान कर चुके हैं। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। आप सोच सकते हैं किस तरह से एकदम तड़के सुबह सुबह श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं, और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। मौनी अमावस्या का आज दिन है, सोमती मौनी अमावस्या, सोमवार को ये मौनी अमावस्या पड़ रही है, और इस वजह से आज के दिन की महत्ता और मान्यता और बढ़ जाती है। और ये देखिए किस तरह से अखाड़ों की पेशवाई निकलती हुई, अखाड़े जिनका स्नान सुबह 6:15 बजे से शुरू हो गया है, महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान के साथ ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, और इससे पहले कई श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ये दूसरा शाही स्नान है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कुंभ शुरू होने के बाद मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान हुआ, दूसरा विशेष स्नान 21 जनवरी को था, और आज दूसरा शाही स्नान है, और इस शाही स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कुंभ। अब तक 1,33,00,000 लोग, सोचिए इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। हमारे साथ प्रयागराज से सीधे एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती जा रही है, और उससे भी कई गुना ज्यादा है श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह। नेहा, मैं आपको बताऊं कि जोश उत्साह के बीच में एक तस्वीर ऐसी भी है कि कुंभ का जो पर्यायवाची बिछड़ना होता है वो तस्वीरें आम हो गई है। मैं अपने ठीक बगल में दिखाना चाहूंगा, जहां मैं मौजूद हूं इसके ठीक बगल में ये सामने जो भीड़ है ये खोया पाया विभाग के सामने लगी हुई भीड़ है, जहां आप देखिए खचाखच लोग खड़े हैं, और इन सभी लोगों के जो परिजन हैं वो इस मेले में बिछड़ गए हैं। यहां लोग, जैसा कि गुरुजी ने बताया, साड़ी का आंचल पकड़ के या
कोई शॉल पकड़ के एक दूसरे के साथ चलते हैं, लेकिन जिस तरह से भीड़ होती है ये सारे लोग बिछड़ते हैं। और बिछड़ने के बाद चूंकि नेटवर्क का इशू भी है और कई लोग ऐसे भी हैं जो गांव से आते हैं और मोबाइल नहीं होता है, इनके पास कोई संपर्क का साधन नहीं होता है। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि सामने एक बुजुर्ग शख्स दिख रहे हैं जो अपने हाथ में डंडा लिए हुए हैं और उसमें एक तौलिया लगाए हैं। ये निशानी होती है, कई बार जब गाँव से निकलने वाला जत्था आता है तो वो जत्था आपस में तय करता है कि अगर हम बिछड़े तो कोई निशानी के तौर पर हम ये चीज डंडे पे लगा के लहराएंगे। और ये चीजें हमें कई जगह दिखाई दे रही हैं। मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल सामने की तरफ एक डंडा है जिसपे आप देखिए कि एक दुपट्टे की तरह कोई लाल कपड़ा वहां पे बांधा गया है। तो ये निशान दिखाकर बताया जा रहा है कि मैं यहां हूं, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं आप देखिए नीचे की तरफ जो बिना कपड़ों के यहां पे भटक रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि जिनके परिजन थे वो परिजन कपड़े लेकर गंगा नहाने गए, लेकिन उसके बाद वो मिले नहीं और अब लोग ठंड में इस तरह बिछड़ रहे हैं, परेशान हैं। तो खोया पाया विभाग की ये तस्वीर है जो बता रही है कि कुंभ में किस तरह के हालात हैं। 1,35,00,000 से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, 8 बजे नया आंकड़ा आएगा और जाहिर है 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाएगी संख्या। लेकिन इन सब के बीच में जो अभी सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा, वो थोड़ी देर में पहुंचने वाला है और जूना अखाड़े में 250 से ज्यादा महामंडलेश्वर है और सबसे अखाड़ा जब स्नान के लिए पहुंचेगा। रणवीर, हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, आप लगातार कुंभ की ये तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिए। और इस बीच एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जो श्रद्धालु स्नान कर वापस लौट रहे हैं उनसे बात की है एबीपी न्यूज ने। महानिर्माणी अखाड़ा जो सबसे पहले स्नान के लिए गया था वो वापस आ रहा है स्नान के बाद। और ये देखिए महामंडलेश्वर सुरेशानंद जी हमारे साथ हैं। महामंडलेश्वर जी, आप ये बताइए कि जो स्नान आपने किया है इसका पुण्य क्या है? देखिए ये एक सनातन का आस्था का विषय, और पुण्य तो विशेष करके मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा अर्धकुंभ था, अर्धकुंभ को योगी ने महाकुंभ बना दिया। कैसा रहा स्नान करने में, कोई कहीं दिक्कत? आप लोग सबसे पहला अखाड़ा था ना जाने वाला? हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ा आधा घंटे का विलम्ब करना पड़ा वैसे भीड़ की वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई, शांतिपूर्ण स्नान हुआ। और मैं देख रहा हूँ, मैं चौथी बार जो कुंभ कर रहा हूँ, ये अर्धकुंभ जो है इतनी भीड़ जो मैंने आपके देखी है, पूर्ण कुंभ में भी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। ये सुरेशानंद जी हैं, देखिए। और दो तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको, एक है जो जा रहे हैं, ये जाने वाले लोगों की जो भीड़ है वो स्नान करके लौट रहा है, और एक तरफ देखिए ये जो ट्रैक्टर हैं, ये जो रथ हैं, इसमें जो संत स्वामी जी लोग बैठे हुए हैं ये सब अभी स्नान के लिए जा रहे हैं। और जो लोग हैं वो देखिए इधर से जो जा रहे हैं उनको सभी लोग हर हर महादेव के नारे के साथ उनका अभिवादन कर रहे हैं। और ये कुंभ की भव्यता है, ये कुंभ की दिव्यता है, जिस दिव्य और भव्य कुंभ को देखने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं वो जो है आपको दिखाई दे रहा है। दुर्गेश जरा उस तरफ दिखाइए, दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वो आप कुंभ की भव्यता ही दिखेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो दिव्य और भव्य कुंभ का ये नजारा है, वो जो यहाँ महामंडलेश्वर है सुरेशानंद जी, वो ये कह रहे हैं कि ये पूर्ण कुंभ में भी आ चुके हैं, लेकिन इतना ज्यादा उत्साह, इतनी ज्यादा भीड़ और इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु स्नान के लिए जा रहे हैं, कुछ वक्त जरूर लग रहा है लेकिन बहुत आसानी से बिना किसी परेशानी के संत और आम आदमी स्नान करके अपने अपने स्थान पर लौट रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज प्रयागराज। तो आपने देखा किस तरह से श्रद्धालु जो स्नान कर लौट रहे हैं, हर हर महादेव के नारों से जयकारा हो रहा है, पूरा वातावरण जो है वो गूंज रहा है। और इस बीच हम आपको बता दें हमारे साथ रविकांत भी जुड़ गए हैं। रविकांत के साथ लगातार कई श्रद्धालु मौजूद रहे जिनसे रविकांत बात कर रहे हैं। रविकांत, हम देख पा रहे हैं कि कई लोगों का आना जाना वहां पर चल रहा है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती जा रही है। नेहा, हम सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा दें जो कि नए जो लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए उनकी है। हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो हुजूम दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अभी भी
उतनी ही उत्साह और संख्या में आ रहे हैं जितनी थोड़ी देर पहले हमको दिखा रहे थे, और भारी तादाद में पूरी सड़क भरी हुई है और काफ़ी उत्साह के साथ लोग करीब 6-7 किलोमीटर पैदल चल करके ये चले आ रहे हैं, और जहां तक निगाह जा रही है वहां तक इतने ही लोग नज़र आ रहे हैं, यानी सड़क पर सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। जो लोग स्नान करके आ रहे हैं उनसे हमारी भेंट हो रही है, उनसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो हुजूम आप देख रहे हैं वो पूरी की पूरी उन लोगों की है जो नए स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं। बाबा आपने स्नान कर लिया? नहीं किया, अभी जा रहे हैं स्नान करने। कैसा है इस बार माहौल? बहुत जबरदस्त मिला है माहौल। आप लोग बताइए कैसा है माहौल? हाँ जी, बहुत अच्छा है। मौनिया उसके ऊपर अमावस्या के ऊपर हमने बहुत अच्छे से स्नान किया। अभी हमने सुबह 6 बजे शाही स्नान कर लिया था। शाही स्नान कर लिया? हाँ जी। भीड़ की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हुई? भीड़ की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई, बट जो बहुत सारी है वो जो है आपकी वो है व्यवस्था सरकार की, वो बहुत अच्छी है। आप लोग बताइए कैसा है माहौल? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, और धार्मिक दृष्टि से इसको कहने का मतलब है एक अद्भुत संगम है ये। आप दादा बताइए, आप तो काफी प्रसन्न लग रहे हैं। बहुत बहुत प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कुंभ में आकर के। स्नान में भी बहुत मजा आया है। आपकी उम्र के बहुत सारे लोग आए जो बहुत कांप रहे थे। हाँ, बहुत कांप रहे थे, और वो स्नान करने में सिर्फ ठंड है, उसके बाद कहीं कोई ठंड नहीं है। बहुत मजा आया स्नान करने में। आप लोगों ने भी स्नान कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल स्नान कर। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग जहानाबाद बिहार से आए हैं। तो आनंद आया दादा? जी हाँ, गया जिला से हम लोग आए हैं। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। का आशीर्वाद आप लोगों को मिल गया? हाँ हाँ, खूब 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 आया, खूब मजा आया, कोई कमी नहीं है जी। रविकांत, चेहरों पे प्रसन्नता, हर हर महादेव का जयकारा, और जैसा आप कह रहे हैं रविकांत, चेहरे पर प्रसन्नता जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, श्रद्धालुओं के जोश है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये आस्था है, ये आज के दिन के लिए लोगों के मन में उत्साह है। और ये जो चार तस्वीरें आप देख रहे हैं 1989 से जो क्रम बना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 1989, 2001 और 2013 जब इलाहाबाद होता था प्रयागराज, तब भी देखिए भीड़ और जोश कैसा होता था, कुंभ के लिए किस तरह का आदर भाव होता था, शाही स्नान कितना मायने रखता था, और वर्ष बीतने के साथ साथ वो मान सम्मान बढ़ा ही है। ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं मौनी अमावस्या को लेकर, जहां जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं 1,35,00,000 श्रद्धालु अब तक, यानी सुबह से लेकर के अब तक गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। जब हम बात सुबह की कर रहे हैं तो हम 4:30-5 बजे से ही जिस तरह से श्रद्धालुओं का आना एकदम तड़के में जारी रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं। आकाश, जल और थल हर जगह से देखिए कुंभ की ये दिव्य तस्वीरें, ये बड़ी कवरेज, जहां इस कुंभ को सफल बनाने के लिए, इस दूसरे शाही स्नान को सफल बनाने के लिए सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके को, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, 10 जोन्स और 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। 440 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खोया पाया विभाग में बावजूद इसके किस तरह से लोग अपनों को ढूंढते हुए आ रहे हैं वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन इस सब के बीच आस्था की डुबकी के लिए जो जोश है वो कायम है। कहीं अखाड़े बढ़ रहे हैं संगम तट की ओर, कहीं श्रद्धालु बड़े बड़े जत्थों में आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखिए कैसे साधु गंगा में डुबकी लगाकर भगवान का स्मरण करते हुए। प्रयागराज से कुंभ के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। आज दूसरा शाही स्नान है। संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या का स्नान, और देखिए ये नागा साधु सन्यासी स्नान करने के लिए निकल चुके हैं। रूप देखिए, रंग देखिए, उत्साह देखिए, घोड़े पर आसन लिए हुए हैं और हाथ में त्रिशूल लिए स्नान करने का। ये देखिए खूबसूरत रंग, केशों को अपने हाथों में ले रखा है और खूबसूरती के संग स्नान करने के लिए जा रहे हैं नागा साधु सन्यासी, हर हर महादेव के नारे के बीच में हाथों में ध्वजा लिए। और ये देखिए जो बीच में ध्वजा दिख रही है, इस अखाड़े की पूजनीय ध्वजा है, प्रमुख ध्वजा है, और इसे लेते हुए साधु सन्यासी स्नान करने के लिए निकल चुके हैं। मौनी अमावस्या का स्नान है और सबसे पहले ये अखाड़ा स्नान करने के लिए निकल चुका है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए निकल चुका है अखाड़ा। कैमरामैन फिरोज खान के साथ अजय दुबे, बीपी न्यूज़, प्रयागराज।
आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको कुंभ का हर रंग दिखा रहे हैं। हम सीधे रुक करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह का। आपको याद होगा सुबह 5 बजे जब ये बड़ी कवरेज हमने शुरू की थी तो रक्षित ने हमें वो तस्वीरें दिखाई थी जिसमें अखाड़ों की पेशवाई हो रही थी और सबसे पहला अखाड़ा संगम तट की तरफ बढ़ रहा था। रक्षित, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए मैं देख पा रही हूँ पीछे साधु संत मुझे दिखाई दे रहे हैं, नई तस्वीरें जो आप दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। बिल्कुल नेहा, ये तस्वीर है जूना अखाड़े की जो कि सबसे बड़ा अखाड़ा है, 13 अखाड़ों में इसका अपना महत्व है। और सीधे ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये विहंगम जो दृश्य है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और ये देखिए शंखनाद जो है वो यहाँ तो देखिए नेहा किस तरीके से साधु संत जो हैं जूना अखाड़े के वो चल रहे हैं, कमंडल उनके हाथों में है, शंख है और बजाते हुए। और ये देखिए हर हर महादेव का उद्घोष, चारों ओर यही वो जूना अखाड़ा है जिसकी ये भक्तों की और जो साधु संत हैं उनकी ये भव्य जो एक तरीके से स्नान के लिए बारात है वो सज धज कर जा रही है। और कितने शांति प्रिय ढंग से और पूरे के पूरे भगवा जो रंग में एक तरीके से ये पूरा का पूरा मार्ग जो है वो नजर आएगा, ढोल नगाड़े बजते हुए। और जहां तक नजर जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ साधु संत ही नजर आएंगे। जूना अखाड़ा जिसकी जो ये यात्रा है इसका सभी को इंतजार रहता है। और आज जो दूसरा शाही स्नान है उसमें जब ये जूना अखाड़े की यात्रा निकली है तो जाहिर सी बात है कि इसको देखने के लिए भी लंबे समय से जो श्रद्धालु हैं वो दोनों तरफ इंतजार कर रहे थे। और अब जूना अखाड़े की जो ये पूरी की पूरी यात्रा है ये शुरू हो चुकी है। चारों तरफ हर हर महादेव का ही उद्घोष है और अब ये गंगा स्नान के लिए जूना अखाड़ा है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। मोर पंखी मुकुट लगाए आपको बाबा नजर आएंगे, रस्से हाथ में पकड़े बाबा नजर आएंगे, ध्वजा लेकर दौड़ते बाबा आपको नजर आएंगे, संत नजर आएंगे। अपनी ध्वजा को लेकर गंगा स्नान की ओर बढ़ते हुए ये साधु संत नजर आएंगे, तलवारें नजर आएंगी, मोर पंख नजर आएगा और साथ में नागा साधु भी आपको नाचते गाते हुए दिखेंगे। पंच दशनम जूना अखाड़ा जो है उसके साधु संत नजर आएंगे। पूरा का पूरा जो रास्ता है इस वक्त आप देख सकते हैं कि भक्तिमय माहौल है और चारों तरफ हर हर महादेव का ही उद्घोष है, चारों तरफ संत ही संत हैं और ध्वजा ही ध्वजा नजर आएंगी। सबसे बड़ा जो अखाड़ा है वो ये अखाड़ा माना जाता है जूना अखाड़ा। और जूना अखाड़े की ही खासियत है कि जूना अखाड़े की ही जो साधु संत हैं उनको देखने के लिए ये लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी है। और चारों तरफ आप देखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये संत नजर आएंगे, चारों तरफ गेरुआ रंग नजर आएगा, ध्वजा ही ध्वजा नजर आएगी। नेहा, यही वो जूना अखाड़ा है जिसका अपना महत्व है, जो कि सबसे बड़ा अखाड़ा भी माना जाता है। और अब फिलहाल उसके साधु संत स्नान के लिए संगम की ओर आगे बढ़ते हुए। जी नेहा, बिल्कुल किसी उत्सव की तरह ये पूरा माहौल होता जा रहा है जहां सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा अब संगम तट की ओर बढ़ रहा है गंगा में पावन डुबकी लगाने के लिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।